वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय चैनल लर्न विद स्टडी। लर्न विद स्टडी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैंने एक स्पेशल क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ। ये स्पेशल क्लास ऐसी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएं, SSC, बैंकिंग या एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। SSC में आपको CGL, CPO, CHSL, MTS, बैंकिंग एग्जाम में IBPS PO या SBI PO की भी प्रिपरेशन, किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक मैंने सीरीज स्टार्ट किया हूँ, फास्ट मैथ कैलकुलेशन सीरीज। इस फास्ट मैथ कैलकुलेशन सीरीज में आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने 3 लेक्चर प्रोवाइड किया था, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। हेल्थ इशू की वजह से मैंने आपको वीडियो बनाया था कि उसकी वजह से मैं दे नहीं पाया था, तो इस सीरीज को मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको रेगुलर करने वाला हूँ। ठीक है, जिस तरह से आपने लेक्चर 3 तक आपको देखे होंगे और आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट समझ में आया होगा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, कॉन्सेप्ट का अप्लीकेशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा लेक्चर 1, 2, 3 तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमें करना है। ठीक है, और कल से ये स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये ऐसी सीरीज है, चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, ये सबसे मैं हटके स्टार्ट किया हूँ इनिशिएटिव। यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि CGL के लिए अलग क्लास है, CPO के लिए अलग क्लास है, CHSL के लिए अलग, तो मैं ये एक ऐसा सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें आपको सारी CGL, CPO, CHSL, MTS एग्जाम के साथ साथ आल बैंक PO, IBPS PO, SBI PO, रेलवे, स्टेट लेवल, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन हो, सभी आप यहां से कर सकते हैं। और इसमें आपको मैंने बताया था ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में, मैंने इन्फॉर्म किया था कि आपको यहां पे 2 चीजें दिया जाता है। डेली आपको कॉन्सेप्ट सिखाई जाती है, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है और उस क्वेश्चन पे आपको होमवर्क भी दिया जाता है, टास्क दिया जाता है। अगर आप टास्क कंप्लीट करते जाते हो डेली पर डे तो आपको बहुत ज़्यादा इस सीरीज से हेल्प मिलने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि आपको इस सीरीज में सिर्फ यही नहीं, देखो मैंने आपको इस सीरीज में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको इस सीरीज में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये सारी चीज़ें, मिनिमम चीज़ें हैं कि इसके बिना आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा नहीं, तो मैंने ऑलरेडी आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड किया था, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, 3 क्लासेस हुई हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा कि इस एग्जाम में कभी भी कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता है। अगर आप उस कैलकुलेशन को उस वे से करते हो, आपके अंदर एबिलिटी है समझने की, क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचने की, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि 1 to 30 तक टेबल या 1 to 50 तक टेबल, ये मिनिमम आपको याद होने चाहिए। 1 to 100 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 to 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, 1 to 10 तक स्क्वायर रूट, 1 to 10 तक क्यूब रूट और 1 to 1000 तक प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। ये मिनिमम चीज़ें हैं, तभी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। और मैंने बताया था कि सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें मैं भी बताऊँगा कि कैसे आपको किस तरह से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड आउट करते हो, किस तरह से, सारा चीज मैं बताने वाला हूं। तो ऑलरेडी लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में आपने समझ गए होंगे, क्योंकि उसमें मैंने परसेंटेज SI CI के क्वेश्चन भी लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा कल से लेक्चर होगा वो होगा एडिशन। कैसे हम एडिशन फास्ट करते हैं, इस पर आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉन्सेप्ट के बाद आपको तरीका चेंज करूंगा। ऐसा नहीं कि एडिशन का रूल तो चेंज नहीं हो सकता ना, कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज किंग, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता, उसी कॉन्सेप्ट को हमें बदलना है। एडिशन, जैसे मैं बोलूं 123 प्लस 234, हम ऐड करते हैं 4, 3, 7, 3, 2, 5, 2, 1, 3, इस एडिशन को हमें चेंज करना है, वो चेंजिंग मैं कल बताने वाला हूं। तो वन बाय वन अब हम पढ़ने वाले हैं एडिशन, के बाद हम पढ़ेंगे सबस्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, यूनिट डिजिट एंड डिजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम मेथड, इसका भी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मैं कराने वाला हूं, और इसका, इन दोनों चीजों का पूरे आपको अर्थमेटिक में मैं आपको इन दोनों का एप्लीकेशन कराने वाला हूं। इवन इफ मेंसुरेशन पढ़ोगे तो भी डिजिबिलिटी रूल का मैं कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, एंड ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड एज वेल एज, जैसे ही ये सारी चीजें एंड होगी उसके बाद हम आएंगे टॉपिक वाइज अप्लाई, उस ये जो भी हमने चीजें पढ़ा उसका अप्लीकेशन पार्ट। और आपने देखा होगा अगर लेक्चर 1, 2 और 3, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको उसमें 3 लेक्चर्स में आपको नजरिया पता चल गया होगा कि किस तरह से है। तो कल से आप रेडी रहिए, कल से आपको जो कल वीडियो आएगी उसकी टाइमिंग है 10 AM पे, मैं ट्राई करूंगा कि डेली 10 AM पे वीडियो आ पाए, अदरवाइज कभी भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं मिल पाता है तो मैं आप उसके लिए बता दूं कि किस तरह से आपको, कैसे आपको, बाय द वे यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजता भी नहीं है ना, तो आपको नोटिफिकेशन और कैसे वीडियो की लिंक मिलेगी, तो देखिए इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल,
इस टेलीग्राम एक ऐप्स है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो उसी तरह से ऐप्स है। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, पहले आप प्ले स्टोर में जाकर के इस टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद जो मैंने कमेंट्स बॉक्स में लिंक दिया उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हो सकता है कुछ लोगों को लिंक में इशू आए तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए, उस पर सर्च कीजिए फास्ट मैथ कैलकुलेशन, आपको ये लोगो दिखाई देगा इस तरह का, उसके बाद यहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपको सर्च करना है फास्ट मैथ कैलकुलेशन, उसके बाद आपको ये दिखाई देगा, उसके बाद ये लोगो यही है, इस पे जाकर के आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कल से आप रेडी रहिए 10 AM पे, मैं आपको एडिशन सिखाने वाला हूं 1 by 1। और एडिशन के साथ साथ सिर्फ हम एडिशन ही नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बोला हूं कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बाद कुछ अप्लीकेशन जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। लेक्चर 1, 2, 3 में मैंने आपको 9, 11 की डिजिबिलिटी रूल, 13, 7, 13 इन सभी की डिजिबिलिटी रूल बता चुका हूं, तो इसका अप्लीकेशन भी हम पार्ट करने वाले हैं टाइम टू टाइम। तो पर डे आपको होमवर्क भी दिया जाता है, क्लास क्वेश्चन विथ होमवर्क, और होमवर्क जरूरी है, जैसे बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। और ये सीरीज से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर SSC CGL, नॉट ओनली फॉर CGL CPO। एक बार आपने ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली तो आपको कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो आप सभी में सिलेक्शन ले सकते हो। और अदर के कंपेयर में जैसे कोई पर्सन अगर आपको 20 सेकंड में सॉल्व करता है तो आप 10 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2 सेकंड की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि जो यूट्यूब पे ये 2 सेकंड और 3 सेकंड की बात करते हैं वो भाई टोटली आप खुद समझते हो कि वो, क्योंकि आप ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हो। मैं एक वर्ड बोला डेट मीन्स 2 सेकंड चले गए, कैसे किसी 2 सेकंड में कोई पर्सन सॉल्व कर सकता है? तो वो क्योंकि अगर क्वेश्चन इतनी बड़ी है तो उसको पढ़ने में आपको 5 to 10 सेकंड लग जाएंगे, कैसे कोई 2 सेकंड में सोल्व कर सकता है? तो मैं आपको बोल सकता हूं कि क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हो या उससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी विद इन 1 मिनट के अंदर आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन ये अगर कोई बोल रहा है कि ये 2 सेकंड में और 3 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करना, ये नहीं, वो आपको मूर्ख बना रहा है। ठीक है, और अगर वो बता भी रहा है तो वो क्वेश्चन ऐसा होगा जो कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होगा जो उस क्वेश्चन को कंप्लीट ना कर सके। ठीक है, तो ये चीजें समझनी है। और आपको मैं यहां पे एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो चीजें हैं, मैं यहां पे डराने के लिए कोई सेशन नहीं ले रहा हूं, और ना ही मैंने, अगर आपने देखा होगा 1000 क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड किया हूं, कभी डराया नहीं, क्योंकि SSC का जो लेवल है ना वो 9th और 10th का सिलेबस है। अगर 9th 10th का सिलेबस अगर हार्ड हो गया तो बाकी अदर जो एग्जाम होते हैं इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफेस्ट एग्जाम में से, उनको क्या बोलोगे? तो ये मेंटलिटी बना दी गई है यूट्यूब पे, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अगर आपको इस सीरीज फॉलो करना है तो डेफिनेटली आप ये भी चीजें बोल सकते हो, कॉमेंट्स में रिप्लाई देना जरूर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको Lecture 1, Lecture 2, और Lecture 3 से क्या बेनिफिट मिला है या नहीं। इससे पहले क्या आप उस तरह से की थिंकिंग एबिलिटी डेवलपमेंट करते थे क्वेश्चन जब आप CI के बनाते थे या आप परसेंटेज के क्वेश्चन करते थे? तो आपको मैं यहाँ पे हर एक एबिलिटी दिखाने वाला हूँ, और ईच सबसे पहले हमारा जो सीरीज कंप्लीट हो जाएगा फास्ट में, उसके बाद हम उसका टॉपिक वाइज अप्लीकेशन देखेंगे किस तरह से हमें करना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन कल आपको एडिशन सीरीज में, एज वेल एज जो हमने पढ़ चुके हैं लास्ट 3 लेक्चर्स में उसका अप्लीकेशन, उसका क्वेश्चन में अप्लीकेशन देखेंगे SSC एग्जाम्स के क्वेश्चन को। थैंक यू, बाय बाय।